मैं बात कर रहा था कि पुराणों में किस तरह से स्वयं पुराणों के अंदर ही पुराण वाक्यों में भी किस तरह से मूर्ति पूजा की खंडनी की गई है। एक उदाहरण आता है श्रीमद् भागवत के अंदर। श्रीमद् भागवत को सब लोग जानते हैं, सभी लोग ये भी कहते हैं कि हम भागवत को मानते हैं, लेकिन भागवत जो करने वाले हैं, भागवतकार भी मूर्ति की पूजा कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे अनेकों भागवतकार को देखा है, या मुझे लगता है संभव है कि सभी लोग किसी न किसी रूप में मूर्ति की पूजा करते होंगे, जड़ की पूजा करते होंगे, लेकिन शायद उन्होंने भागवत के इस श्लोक को ध्यान से नहीं सुना है, या फिर उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा भी होगा तो अपने किसी स्वार्थ से, मैं स्पष्ट और कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ कि अपने किसी स्वार्थ के कारण वो इस श्लोक को उजागर नहीं करते। एक श्लोक है भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय का 13वां श्लोक है। इसमें कहा, यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यत तीर्थ बुद्धि सलीलेन करहिचित जनेस्व अभिज्ञेषु स एव गोखरः। क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना और बुरा मत मानना क्योंकि ये मेरा कथन नहीं है, ये श्रीमद् भागवत का कथन है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 84वां अध्याय और 13वां श्लोक आप स्वयं जिसके घर में भागवत होगा खोल करके देख सकते हैं। कह रहे हैं कि पानी वाला कोई तीर्थ नहीं होता है। हम किसी संसार के स्थान को, गंगा को या किसी को तो हम तीर्थ मानते हैं ना, भागवत का कथन है पानी वाला कोई तीर्थ नहीं होता। मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई मूर्तियाँ देवता नहीं होते, क्योंकि ये किसी भी काल में पवित्र नहीं रह सकता। कह रहे साधु महात्माओं का जो दर्शन है वो पवित्र करता है, क्योंकि वो ज्ञान देते हैं, क्योंकि दर्शनों का क्या कथन है, रिते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। साधु महात्मा जो है वो ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से हम पवित्र हो सकते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे 13वें श्लोक का जो अर्थ है वो ये है, कह रहे पहले मैं एक श्लोक, इस श्लोक को दोबारा कहता हूँ, एक एक चरण के साथ में एक एक चरण का अर्थ मैं बताता हूँ। कह रहे यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के, त्रिधातु का मतलब वात पित्त और कफ, तीन प्रकार के मल से बने हुए शरीर में जो आत्मबुद्धि है। स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्यदि, कह रहे स्वबुद्धि और पृथ्वी से बनी हुई जो मूर्ति है उसमें जो पूज्य बुद्धि है, और फिर कह रहे यत तीर्थ बुद्धि सलीलेना कर ही चित, जो पानी में तीर्थ बुद्धि कभी करता है, अर्थात जो अपनी बुद्धि में ये सोचता है कि पानी से बना हुआ कोई तीर्थ होता है, तो कह रहे हैं जनेसु अभिज्ञेषु स एव गोखरः, कह रहे हैं कि वह जो है गायों का चारा ढोने वाला गधा है। किसका कथन है ये, श्रीमद् भागवत का। इससे पहले एक और श्लोक आता है देवी भागवत के अंदर। देवी भागवत में कह रहे हैं कि प्राप्ते कला वह दुष्टतरे च काले न त्वाम भजन्ति मनुजा ननु वंचितास्ते धूर्त ही पुराण चतुरैर हरिशंकराणाम सेवा पराश्च वहितास्तव निर्मिताना। कह रहे हैं इस घोर कलयुग में पुराण के बनाने में धूर्त और चतुर लोगों ने विष्णु शिव आदि की पूजा अपने पेट भरने के लिए कराई। ये देवी भागवत का कथन है। क्या कह रहे हैं, एक बार मैं दोबारा दोहराता हूँ इस बात को, क्योंकि कहते हैं द्विबद्धम सुबद्धम भवति, दो बार कहना या दो गांठ मारना सुदृढ़ होता है। दोबारा कह रहा हूँ, कह रहे प्राप्ते कला वह दुष्टतरे च काले न त्वाम भजन्ति मनुजा ननु वंचितास्ते धूर्त ही पुराण चतुरैर हरिशंकराणाम सेवा पराश्च वहितास्तव निर्मितानाम। देवी भागवत स्कंद 5, 5वां स्कंद है, अध्याय 16वां है और 12वां श्लोक है। कह रहे हैं इस घोर कलयुग में धूर्त चतुर लोगों ने अपनी पेट की पूजा करने के लिए विष्णु और शिव आदि के नाम से पुराण बनाए और उसको चलाया। मैंने पहले ही कहा था कि पुराणों की रचना व्यास जी ने नहीं की है, क्योंकि देवी भागवत का जब लेख हुआ, देवी भागवत का जब चलन बढ़ा, तो उस समय में ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में विद्वानों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, और वो भी पूरी तरह से खंडन किया। और अब कह रहे हैं वही भाव जो मैंने भागवत का बताया, बिल्कुल वही भाव देवी भागवत के ही 9वें स्कंद के 7वें अध्याय के 42वें श्लोक में कह रहे न ही अम्ब मयानी तीर्थानी, पहले मैंने कहा था कि पानी से बना हुआ कोई तीर्थ नहीं होता, कह रहे न देवा मृच्छिलामया ते पुनंत्यपि काले न विष्णु भक्ता क्षणादह। कह रहे पानी के तीर्थ नहीं होते, मिट्टी पत्थरों के देवता नहीं होते, वो किसी भी काल में पवित्र नहीं होते। इसी तरह से शिवपुराण में क्या कहा, शिवपुराण का कथन है तीर्थानी तो या पूर्णानी देवान पाषाण मृण्मयान योगिनो न प्रपद्यन्ते स्वात्म प्रत्यय कारणात्।
कह रहे जल से पूर्ण तीर्थ और पत्थर तथा मिट्टी के देवताओं को कोई भी योगीजन कोई भी धार्मिक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के कारण उनको नहीं मानता है। इसी तरह से हर जगह पर शिवलिंग की जहाँ पूजा होती है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन शिवपुराण का ही कथन क्या है, कह रहे शिवपुराण में भिन्न भिन्न स्थानों पर कहा जा रहा है, कह रहे शिलालिंगम तु शूद्राणाम महाशुद्धिकरम शुभम, कह रहे हैं कि शिवलिंग की जो पूजा है केवल शूद्रों के लिए है। शिवपुराण है इससे इसमें कहा जा रहा है कि शिलालिंगम तो शूद्राणाम महाशुद्धिकरम शुभम, शूद्रों के लिए शिवलिंग की जो पूजा है वो प्रचलित थी। चाणक्य ने क्या कहा, चाणक्य ने भी अपनी नीति में कहा अग्निर्देवो द्विजातिनाम मुनीनाम हृदय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनाम सर्वत्र समदर्शिना, कह रहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो देवता है वह है अग्निहोत्री, अर्थात जो हवन करते हैं वो उनके लिए है, मुनिजन के लिए हृदय में देवता है, जैसा कि गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, और कह रहे अल्प बुद्धि वालों के लिए मूर्ति और समदर्शी जो होते हैं उनके लिए तो हर स्थान पर परमात्मा है। ये चाणक्य का कथन है। अब जो मूर्ति की पूजा करते हैं उनके लिए पुराणों में यत्र तत्र निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया है, हर जगह पर निंदा की गई है जो कि मूर्ति की पूजा करते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे वृषली श्रुति पोष्यश्च वृषली पतिरेव च तथा देवलकश्चैव श्राद्धे नार्हन्ति केतवम्। वाराह पुराण का कथन है, कह रहे जो दुराचारिणी है, दुराचारिणी स्त्री और जो नवप्रसूता अर्थात जिसने कुछ समय पहले ही बालक को जन्म दिया है, और फिर दुराचारी स्त्री का पति, और फिर मूर्ति पूजा करने वाला जो पुजारी है वह श्राद्ध भोजन में स्नान पाने योग्य नहीं है, अर्थात श्राद्ध भोजन में स्थान पाने योग्य नहीं, उनको ऐसे जगह पर स्थान नहीं देना चाहिए। इसी तरह से पद्म पुराण क्या कहता है, जो कि वैष्णवों का है, कह रहे हैं नान्यम देवम तु विक्षेत ब्राह्मणो न च पूजयेत नान्यम प्रसादम भुंजितम नान्यस्ययातम विषेत इतरेषां तु देवानां निर्माल्यम गर्हितम भवेत सकृदेव हि योष्णाति ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः निर्माल्यम शंकरादीनां स चांडालो भवेत ध्रुवम कल्पकोटि सहस्राणि पच्यन्ते नरकाग्निना निर्माल्यम भो द्विज श्रेष्ठा रुद्रादीनां दिवौ कसाम रक्षो यश्च पिशाचानाम मध्य मांसम समम स्मृतम, कह रहे हैं कि किस एक परमात्मा को छोड़ करके दूसरे देवता का ना दर्शन करें ना उसे पूजे ना उसके प्रसाद को खाए ना उसके मंदिर में जाए, दूसरे देवताओं का जो निर्माल्य है उसको ग्रहण न करें, और जो किसी दूसरे देवी देवताओं का प्रसाद खाता है वह मानो विष्ठा खाता है, कह रहे शंकर आदि के प्रसाद को खाने वाला चंडाल होता है, वह करोड़ों वर्ष करोड़ों कल्प तक नरक की अग्नि में पड़ा रहता है। ये तो पुराण का कथन है, अगर वेद व्यास जी ने ये सारे पुराण लिखे होते तो ये नहीं लिखते पद्म पुराण में कि शंकर का दर्शन करने वाला शंकर का प्रसाद खाने वाला वो नरक में करोड़ों कल्प तक जलेगा, क्योंकि वही व्यास जी पहले तो शिव पुराण में उनकी ही महिमा लिख चुके हैं, तो एक व्यास जी ने अगर उनकी रचना की होती तो ऐसा कथन नहीं होता। इसीलिए ये तो सर्वमान्य हो गया, ये सिद्ध हो गया कि पुराणों की जो रचना है वो केवल एक वेद व्यास जी ने नहीं लिखा है, समय समय पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों ने अपने अपने मत को सिद्ध करने के लिए, अगर वैष्णव हुआ तो उसने अपने मत की पुष्टि के लिए पद्म पुराण की या विष्णु पुराण की रचना की, शिवलिंग की जिन्होंने पूजा की या फिर शिव जी की किसी अन्य रूप में पूजा की तो उसने शिव पुराण की रचना की, जिसको जिस प्रकार से जितना समझ में आया अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए पुराणों की रचना की। अगर पुराणों की रचना अलग अलग लोगों ने नहीं की होती तो सब में एक बात होती, 18 भिन्न भिन्न प्रकार की बात नहीं होती। इसीलिए जितने भी धर्मप्रेमी श्रद्धालु भक्तजन हैं वो इस बात को ध्यानपूर्वक सुने, वो इस बात को ध्यानपूर्वक समझें कि पुराणों की रचना एक व्यक्ति ने नहीं की, और पुराण स्वयं ही इस तरह की मूर्ति पूजा की खंडनी कर रहे हैं। मूर्ति पूजा तो चांडालों के लिए बताया गया है, मूर्ति पूजा तो शूद्रों के लिए बताया गया, और शूद्र का मतलब मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो किसी कुल में उत्पन्न हुए, शूद्र का मतलब यहाँ अज्ञानी से है, जो किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रखते, जिनके पास थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है उनको मैं शूद्र कह रहा हूँ, और उनको धर्मग्रंथों ने शूद्र कहा है। आप ये मत समझ लेना कि जो किसी निम्न वर्ग में जो
आज वर्तमान समाज में भले ही किसी को ओबीसी कहा जा रहा हो, चाहे किसी को शेड्यूल कास्ट कहा जा रहा हो, वो शूद्र नहीं है, शूद्र उनको नहीं कहा जा रहा है। इस विषय में भविष्य में फिर से चर्चा होगी जातिवाद के विषय में, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो अज्ञानी है उनके लिए मूर्ति पूजा बताई गई है पुराणों में भी, जो बिल्कुल अज्ञानी है उनके लिए, अन्यथा पुराणों में भी सर्वत्र अनेक स्थानों पर मूर्ति पूजा की खंडनी की गई है। जैसा कि मैंने आपको देवी भागवत का कथन बताया, जैसे कि आपको श्रीमद् भागवत का कथन बताया, श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट शब्द में उन्हें गायों का चारा ढोने वाला गधा कहा है। तो ऐसी अवस्था में कोई भी अगर ये कहता है कि मैं भागवत को भी मानता हूँ और मैं मूर्ति की पूजा भी करता हूँ तो वो झूठा है। कोई भी भागवत का भी सच्चा अनुयायी होगा तो वो मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता, कोई भी पुराणों का भी अगर सच्चा अनुयायी होगा तो भी वो मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता। अब इस तरह से हम कुछ और प्रमाण प्रस्तुत करते हैं मूर्ति पूजा के विरोध में, क्योंकि लगभग हर जगह पर पुराणों में भी अलग अलग जगहों पर मूर्ति पूजा की खंडनी ही की गई है। कहते हैं कि सबसे पहली बात कि परमात्मा किसी एक जगह पर नहीं है, केवल मूर्ति में नहीं है। चाहे आप शिव पुराण में देख लीजिए, चाहे आप वायु पुराण में देख लीजिए, चाहे आप लिंग पुराण में देख लीजिए। कह रहे हैं लिंग पुराण का एक श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसमें कहा प्रधान पुरुषाशितम प्रलयोत्पत्ति वर्जितम। कह रहे परमात्मा प्रकृति और जीव से अलग है तथा उत्पत्ति से और विनाश से रहित है। मूर्ति तब नहीं थी जब सृष्टि बनी, सृष्टि के बनने के बाद इस संसार के पदार्थों की रचना हुई और इस सृष्टि के ही प्रकृति जन्य पदार्थों से मूर्ति की रचना हुई, तो परमात्मा इनसे अलग है। ये लिंग पुराण का कथन है। ब्रह्मविवर्त पुराण का कथन है आधि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीति विवर्जितम। कह रहे परमात्मा दुख रोग बुढ़ापा मृत्यु शोक और भय से सर्वथा रहित है। वायु पुराण का कथन है गंध वर्ण रसहीनम शब्द स्पर्श विवर्जितम अजातम ध्रुवम अक्षयम नित्यम स्वात्मम अन्यवस्थितम। कह रहे परमात्मा जो है वह गंध से रहित है, वर्ण से रहित है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय हैं इस इंद्रियों से युक्त उनसे रहित है, अजन्मा है और नित्य अविनाशी है, मूर्ति का नाश हो जाता है। इस तरह से पुराणों में सर्वत्र उस परमात्मा को मूर्ति से इतर अर्थात मूर्ति से अलग बताया है। इसीलिए जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद है वो अगर पुराण की बात को ही थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तब भी ये सिद्ध हो जाएगा, तब भी वो ये बात समझ जाएंगे कि मूर्ति पूजा से कितनी हानियाँ हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, जैसे मैंने पहले भी वेदांत दर्शन का उदाहरण दिया कि या तो एक स्थान पर एक समय में उष्णता अर्थात गर्मी रह सकती है या ठंडक रह सकती है, उसी तरह से आप भी एक समय में या तो आप धार्मिक रह सकते हैं या फिर मूर्ति पूजक रह सकते हैं। क्योंकि जो मूर्ति पूजक है वो धार्मिक नहीं है, साफ शब्दों में, क्योंकि ये केवल मेरा कथन नहीं है। वेद का प्रमाण आपने पहले सुना, उपनिषदों का आपने सुना, दर्शनों का सुना, रामायण का सुना, महाभारत का सुना, पुराणों का भी आपने कथन सुना कि मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति मनुष्य ही नहीं, मनुष्य तो है ही नहीं, जानवरों में भी पशुओं में भी जो सबसे मूर्ख माना जाता है वैसा पशु पुराणों में बताया है। तो या तो आप एक स्थान पर एक समय में धार्मिक कहला सकते हैं, या तो आप एक समय में ज्ञानी कहला सकते हैं या मूर्ख कहला सकते हैं। अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं अभी भी तो फिर आप सोच लीजिए कि आपको अब कौन सा स्थान में माना जाए, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब उसके बाद में पुराणों के बाद में अगला जो विषय है वह है पौराणिक काल के बाद में, वह है मूर्ति पूजा और फिर इस्लाम काल। इस्लाम काल का मतलब मूर्ति पूजा जब आई भारतवर्ष में तो उस समय में इस्लाम का यहाँ पर प्रादुर्भाव नहीं था। इस्लाम मत तो उसके लगभग 1000 साल के बाद आया होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला किया सबसे पहले तो उसके बाद से अरबी आक्रांताओं की आधी भारतवर्ष में आई, तो उन्होंने आकर के मूर्ति पूजक लोगों के साथ क्या किया, मूर्ति पूजा की वजह से किस तरह से हानि हुई, मूर्ति पूजा की वजह से किस तरह से उन अरबी आक्रांताओं का गुलाम बना, किस तरह से वो समय समय पर लूट करके ले जाते रहे, इसका प्रसंग हम सुनेंगे अगली चर्चा में। आज हमने ये समझा कि किस तरह से पुराणों में मूर्ति पूजा की खंडनी की गई है, और केवल सुनना समझना नहीं है, इस बात को आगे तक भी पहुंचाएं और इस बात को आत्मसात करें।
कि हम सभी लोगों को बताएं। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, मैं जाते जाते आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूँ कि एक मनुष्य ने मूर्ति बनाई, मनुष्य की बनाई हुई जो मूर्ति है उसको तो आप परमात्मा कह करके भोग लगा रहे हैं, उसमें 56 व्यंजन चढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं पर तो ये देखा जाता है, आज से 3 या 4 साल पहले महाराष्ट्र में जब गणेश उत्सव चल रहा था तो वहाँ किसी व्यक्ति ने गणेश जी के लिए कई किलो के सोने का लड्डू बना करके दान दिया था, और जो वैसे लड्डू चढ़ते हैं प्रसाद के रूप में वो अलग है। जब शिवजी की उपासना की बात करते हैं, शिवलिंग के ऊपर सैकड़ों हजारों लीटर दूध बहाते हैं, देवी माता के नाम पर अनेकों जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, अनेकों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं नवरात्रि में दुर्गा के नाम पर, तो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी इंसान के बनाई हुई जो मूर्ति है उसका तो आपको इतना मान है, उसको आप इस तरह से पूजा करते हैं, लेकिन जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मनुष्य की, परमात्मा की बनाई हुई जो इतनी सुंदर मूर्ति है जिसमें तो प्राण भी है, मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति में प्राण नहीं है। आपने एक कल्पना कर रखी, कोरी कल्पना कर रखी है, उसकी तो आप पूजा कर रहे हैं, जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसके बाद भी प्राण नहीं आ रहे फिर भी जबरदस्ती पूज रहे हैं, लेकिन जिस मूर्ति को परमात्मा ने बनाया जिसमें वास्तव में प्राण है भी, वैसी प्राणयुक्त मूर्तियाँ, वैसी चेतन मूर्तियाँ आपकी जड़ मूर्ति वाले मंदिरों के बाहर बैठ करके भिक्षा मांगते रहते हैं, भूख से दो दो तीन तीन दिन से तड़पते रहते हैं, उनके भूख की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, उन चेतन मूर्ति को जो परमात्मा ने बनाया है उनको खिलाने का कोई ध्यान नहीं देता है, उनको दूध पिलाने के लिए कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन जो जड़ मूर्ति जो आपने बना रखी, जो एक नदी के किनारे से पत्थर उठा के ला दिया और उस पर जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसमें प्राण का कोई भी अंश नहीं है, न प्राणयुक्त होने का एक भी लक्षण है, उसको जबरदस्ती दूध चढ़ा रहे, न उसकी उसको आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा मूर्ति पूजा, शिवलिंग की जो पूजा है वह किसके लिए है। कल जो चर्चा होगी, मैंने वैसे तो विषय बता दिया कि कल की जो चर्चा का विषय है वो मूर्ति पूजा और इस्लाम काल है, लेकिन उससे पहले शिवलिंग के विषय में भी मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा, उसके बाद हम कल की चर्चा में बढ़ेंगे, लेकिन पहले इस विषय को स्पष्ट कर दें कि जो उस चेतन परमात्मा के द्वारा बनाई हुई मूर्ति है वो अगर भूखा है तो आप उस पर ध्यान नहीं देते, जो उस चेतन परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है उसको आप अछूत कह करके तिरस्कार करते हैं, जो उस चेतन परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है उससे आप घृणा करते हैं, उससे आप ईर्ष्या करते हैं, उससे आप द्वेष करते हैं, चाहे वो संप्रदाय के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो भाषा के नाम पर हो, लेकिन किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जड़ मूर्ति जो चल नहीं सकती, इधर उधर नहीं जा सकती, न किसी प्रकार की इच्छा कर सकती, न किसी प्रकार से मना कर सकती, न स्वयं की रक्षा कर सकती है, न आपकी रक्षा कर सकती है, वैसे व्यक्ति को, वैसी मूर्ति को, वैसी जड़ मूर्ति को आप पूजते हैं। अगर उस जड़ मूर्ति की उपासना करने में जितना खर्च आप करते हैं लाखों करोड़ों रुपए, वैसा लाखों करोड़ों रुपए आप अगर उन गरीबों के लिए दे दें तो इसमें सबका कल्याण होगा। इस पर कुछ लोग तर्क देंगे, मैंने ऐसे तर्क बहुत से पहले भी सुन रखे हैं। किसी ने तर्क दिया, एक साधारण व्यक्ति ने पूछा, जिज्ञासु होगा, उसने एक महात्मा को तर्क दिया, तर्क ने प्रश्न किया उसने जिज्ञासु भाव से कि शिवलिंग को दूध चढ़ाने से अच्छा किसी व्यक्ति को, किसी गरीब को, भूखे को दूध दें तो उसमें क्या बुराई है। तो वो वहाँ पर उन महात्मा ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर उनका प्रवचन कभी भी सुन रखा होगा तो मेरी बात से आप समझ जाएंगे, मैं बिना नाम ले बताऊँगा कि उन महात्मा ने क्या तर्क दिया। वो भागवत क्या करते हैं, कथा क्या करते हैं, उन्होंने तर्क दिया क्योंकि उनको तो अपनी दुकान चलानी है। उन्होंने ये तर्क दिया कि आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है तो क्या आपका कर्तव्य नहीं कि आप उनका पेट भरें, ये उन्होंने तर्क दिया। अब बेचारे भोले भाले लोग क्या करते, वो बेचारे भोले भाले लोग तो आधे प्रश्न को, आधे तर्क को समझे होंगे कि हाँ माता पिता है, भूखे हैं तो उनको भोजन देना हमारा कर्तव्य। सोचिए अब यहाँ जो उन्होंने तर्क दिया माता पिता वाला किस तरह से घटित होता है। पहली बात कि शिव जी माता पिता नहीं है, साफ बात, शिवजी ने आपको पैदा नहीं किया, आपके आपको जिन्होंने, जिस माता पिता ने पैदा किया वो अलग हैं, पहला तर्क। दूसरा, क्या उनको आपके द्वारा चढ़ाई गई दूध पहुंचता है, आपके द्वारा केवल दूध ही नहीं किसी भी प्रकार का जो भोग है वो चढ़ाया हुआ पहुंचता है।
अगर नहीं पहुंचता है तो फिर उनके नाम पर ये ढोंग क्यों। चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए माता पिता का ही दृष्टांत, आपके ही न्याय से अगर थोड़ी देर के लिए माता पिता का दृष्टांत मान लिया जाए। आपके घर में माता पिता हैं, मैं उनकी फ़ोटो बना करके आपको दे देता हूँ, तो आप अपने माता पिता को तो खाना ना दें लेकिन फ़ोटो के सामने ले जा करके दूध चढ़ाएँ और फ़ोटो को दूध से नहलाएँ, तो क्या उससे माता पिता का भूख मिटेगा? क्या माता पिता की भूख समाप्त होगी? क्या उनका उनकी क्षुधा समाप्त होगी या उनकी तृष्णा मिटेगी? या फिर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आपके माता पिता हैं, मैं आपके माता पिता की मूर्ति बनाता हूँ, आप अशक्त हैं, आप किसी तरह से अक्षम हैं काम को करने में, और आपके माता पिता जीवित हैं, आपके माता पिता मुझे देख रहे हैं, मैं क्या करूं कि आपके माता पिता के मूर्ति के सामने ले या उनकी फ़ोटो के सामने ले जाकर के दूध चढ़ाऊं, उनके फ़ोटो को दूध से नहलाऊं लेकिन आपको खाना न दूं, तो आपके माता पिता जो जीवित हैं उनको कैसा लगेगा? क्या मेरी पूजा उन तक पहुंचेगी? क्या मेरा भाव पवित्र माना जाएगा? अगर मैं वास्तव में आपके माता पिता की पूजा करना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कह रहे हैं पहले उनकी बात सुनूं। तो आपके माता पिता की जो दिली इच्छा ये होगी, दिली ख्वाहिश होगी कि मैं आपकी अर्थात उनके बच्चों की पालन करूं, उनके बच्चों का पेट भरूं, उनके बच्चों की भूख मिटाऊं, यही चाहेंगे कि नहीं? तो ये करना मेरा कर्तव्य है या फिर आपके माता पिता की फ़ोटो बना करके उस फोटो को दूध से नहलाऊं लेकिन न उनको कुछ पूछूं, न उनकी बात सुनूं, न उनके संतान को कुछ पूछूं, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? तो इसीलिए किसी साधारण व्यक्ति को या अज्ञानी व्यक्ति को भावुक करके या इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको डराना बंद कीजिए। जो व्यक्ति सीधा साधा है धर्म को समझना चाहता है उसे धर्म की सच्ची पहचान कराइए, क्योंकि जनता भोली भाली है, धर्म को पूरी तरह से नहीं समझती है, वो केवल आपके डराने से आपके धमकाने से ही किसी चीज़ को मान रही है अब तक, क्योंकि वो धर्म को नहीं जानती। जिस दिन वो धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ जाएगी, आपको मुझे लगता है कि आप लोगों को डर है कि अगर वो धर्म के सच्चे स्वरूप को जानेगी तो आपकी जो दुकानदारी है वो बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप अच्छा काम करेंगे तब भी लोग आपका समर्थन करेंगे, तो क्यों ना अच्छे काम से समर्थन लिया जाए। इसीलिए सबको धर्म के सच्चे स्वरूप की पहचान कराइए। परमात्मा जो एक चेतन है, जो किसी जड़ रूप में नहीं है और जो कि सर्वत्र ज्ञानमय स्वरूप है, जो कि केवल ज्ञान से पाया जाने वाला है, जिसकी सत्ता इस संसार के कण कण में व्यापक है, जिसकी बनाई हुई मूर्ति अर्थात मनुष्य जो है उन पर समान रूप से व्यवहार कीजिए, उनसे घृणा मत कीजिए, ऐसी शिक्षा अगर आप देंगे तो लोग आपसे तब भी जुड़े रहेंगे, आपकी इच्छा तब भी पूरी होगी। लेकिन आप केवल ये चाहें कि हम झूठ के बल पर अपनी दुकान चला लें तो ये कुछ दिनों तक तो रुकने वाला है, क्योंकि सत्य रूपी जो सूर्य है उसको असत्य रूपी बादल कुछ समय तक तो ढक सकते हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश तो कुछ समय के बाद में चलने ही वाला है। और जैसे ही ज्ञान का जो प्रकाश है, जब जैसे ही ज्ञान के प्रचार रूपी आंधी चलती है तो फिर जो अज्ञानता रूपी जो बादल है वो उड़ के चले जाते हैं, और इस आंधी में बादल की तरह कोई भी असत्य प्रवृत्ति वाला व्यक्ति न उड़े। इससे अच्छा यह है कि अपने आप को सत्य के भार से बचा करके रखें। सत्य की वर्षा करेंगे तो आप उड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। मेरे शब्द भले ही आज कड़वे लग रहे हों, कड़े लग रहे हों, लेकिन पहले दिन ही मैंने कहा था ये एक ऐसी बीमारी है, इस बीमारी के लिए कुछ कड़वी औषधि की आवश्यकता थी। मैं ये नहीं चाहता था, हृदय से नहीं चाहता था कि मैं कुछ कड़वा बोलूं, लेकिन जब तक दिल को चोट नहीं पहुंचती, जब तक दिमाग झंझनाहट नहीं होती दिमाग में, तब तक हमें बात समझने की आदत नहीं है। क्योंकि अगर वास्तव में सीधे साधे ढंग से समझना होता तो आज तक हम समझ चुके होते। कई बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और इससे पहले भी सैकड़ों वर्षों से ज्ञानी जन बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं कि हमें एक चेतन परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं समझते। इसीलिए मैंने कुछ कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, जिसके लिए मैं सभी लोगों से, जिनकी मैंने खंडनी भी की उन सभी लोगों से और मुझे सुनने वाले सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम इस बात को, आज की जो प्रवचन है, आज का जो विषय, उसको समाप्त करने से पहले मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हम पुराणों की उस बात को ध्यान से समझें कि पुराण कहाँ तक मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। भागवत के देवी भागवत के और वाराह पुराण आदि के जो मैंने उदाहरण दिए, अगर आपको याद नहीं हुए तो दोबारा आप दोहरा करके भी सुन सकते हैं, उसको ध्यान दें। और फिर इंसान के द्वारा बनाई हुई जड़ मूर्ति की उपासना, उनकी पूजा करने से अच्छा परमात्मा के द्वारा बनाई हुई जो चेतन मूर्ति मनुष्य है उसके सुख दुख में हम सहभागी बने, तो ये दृढ़ है, मैं शायद नहीं कहूँगा तो ये पक्का है कि परमात्मा की कृपा हम पर अवश्य होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के
इस विषय को विराम देता हूँ। प्रणाम जी।